खरगोन जिले के सनावत की रहने वाली निमिषी त्रिपाठी ने यूपीएससी की परीक्षा में 622वीं रैंक पाकर निमाड़ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। निमिषी के पापा खंडवा जिले के पुनासा में वन विभाग में कार्यरत है। परिजन और आसपास के लोग मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। वन विभाग में कार्यरत अवधेश त्रिपाठी की दो बेटियां हैं। उन्होंने बेटा बेटी का भेद भुलाकर निमिषी को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली भेजा था। ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी निमिषी ने तैयारी की। निमिषी त्रिपाठी ने बताया कि उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके माता पिता की मेहनत और शुभचिंतकों का काफी योगदान रहा और कलेक्टर बनने का उनका सपना था। इस विषय पर पापा से एक बार बचपन में बात की थी। कलेक्टर बनने के लिए ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और परीक्षा दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उसके लिए कोशिश करूंगी और प्रेरणा मेरे माँ बाप, मेरे फ्रेंड्स और सारे वेलविशर्स जिन्होंने, जब भी मैं डीमोटिवेट हुई या फिर मुझे अनसर्टेन चीजें लगी तो उन्होंने मुझे काफी मदद की, तो उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। कहाँ से की थी आपने, मतलब पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? उसके लिए कोशिश करूंगी और प्रेरणा मेरे माँ बाप, मेरे फ्रेंड्स और सारे वेलविशर्स जिन्होंने, जब भी मैं डीमोटिवेट हुई या फिर मुझे अनसर्टेन चीजें लगी तो उन्होंने मुझे काफी मदद की, तो उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। कहाँ से की थी आपने, मतलब पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? मैंने अपनी स्टार्ट मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बिरला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी, सनावत से, और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, आईटी कॉलेज फॉर वुमेन से। देखिए आमतौर पर देखा जाता है कहीं ना कहीं जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आपने यूपीएससी का चयन किया, तो क्या मतलब शुरू से ही सोच के रखा था या पारिवारिक घर वालों ने कहा था आपको यूपीएससी के लिए? मेरा जो यूपी के साथ में रिलेशन है वो बहुत ही इंसिडेंटल है। अगर मैंने स्टार्टिंग में जब बचपन में यूपीएससी के बारे में तो नहीं, लेकिन कलेक्टर के बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। तो शुरुआत में तो उस चीज़ के लिए मैं अपनी सीरियस नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में हमेशा कलेक्टर बनना है ये रहा। तो फिर जब मैं 12th पास किया तो फिर तब मैंने उसके बारे में जाना कि कलेक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, और तब मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला। तो उसके बाद से मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आने वाले समय को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।